The Gods Palace Resort, Ganga Facing, Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य होल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कांवड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ परतापुर स्थित होटल ओक ट्री में पिछले दो दिन से कैसीनो संचालित किया जा रहा था। यहां अधिक से अधिक लोग जुटे इसके लिए 5-स्टार फैसिलिटी देने का प्रचार किया गया था। 15-16-17 जुलाई को यह पार्टी थी। 16 की रात पुलिस का छापा पड़ गया। दिल्ली निवासी कपिल व रवि और पीयूष गर्ग देहरादून इसके मास्टरमाइंड बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने 47 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें होटल मालिक नितिन अग्रवाल मंडी बागपत व अरविंद कुमार ग्राम शामली भी शामिल हैं। इनके अलावा कपिल, पीयूष गर्ग, रवि, अजय गुप्ता, राजकुमार, मनोज साहनी, भरत शर्मा, वरुण कुमार, नरेश सेमवाल, राजीव कुमार, दीपक, राकेश, लक्ष्य गौतम, अली असगर, गुरु शरण, रुद्र प्रताप सिंह, सौरभ कुमार, संजय थापा, सागर भंडारी, ऋषि पाल, हरीश, प्रवीण, नीरज, शिवम कुमार, संजय, देशराज, अजय, सत्य प्रकाश, अरविंद, विशाल, राजेश व मनोज राजौरिया के अलावा प्रिंसी, अमरेंद्र कौर, गुरप्रीत, संजू थापा, राधिका श्रेष्ठा, निशा नेपाल, श्यामन सेना, तारा कार्की, संजना, कुल 47 लोग गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में SP क्राइम अनित कुमार ने यह जानकारी दी। ये थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में सूचना प्राप्त हुई थी इन्फॉर्मर के माध्यम से कि जुआ चल रहा है एक रिजॉर्ट को बुक करा कर, और वहाँ पर तमाम लोग बाहर की जैसे गुजरात वगैरह से लोग आए हुए हैं। इस सूचना पर SOG की टीम ने और थाना प्रतापपुर की टीम ने CO क्राइम और CO हमारे अभिषेक, इनके नेतृत्व में रेड किया। जब रेड करने पर वहाँ पर देखा तो वहाँ पर जुआ उस समय चल रहा था, और मौके से करीबन 43 टोटल लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 9 महिलाएं हैं। जो पकड़े गए हैं व्यक्ति, उनमें कुछ गुजरात के, कुछ दिल्ली के, उत्तराखंड के, हरियाणा के और गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। महिलाओं में से 6 महिलाएं नेपाल की मूलतः रहने वाली हैं, जो भी गोवा में क्लब में काम कर रही हैं। इनको गिरफ्तार करने पर इनके पास से कुल 7.5 लाख के करीब पैसा बरामद हुआ है, और इनकी गाड़ियाँ, इनके मोबाइल और अन्य जुआ खेलने के सामान जैसे चिप्स और प्लेइंग कार्ड्स, ये सब बरामद हुए हैं। ये जो इसमें मास्टरमाइंड है, ये जैसे ऑनलाइन 3 पत्ती गेम एक चलता है, उसी तरह से ये लोग भी अपने एक क्लोज ग्रुप में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों को बताते थे कि हम गेम ऑर्गेनाइज करेंगे आकर अलग अलग रिजॉर्ट में, और ये अलग अलग जगह पर जैसे देहरादून या गुजरात में कहीं या हरियाणा में ये रिजॉर्ट बुक करा कर वहाँ पर इन लोगों को बुलाकर गेम खिलाते थे। उसमें जो गेम पूरी रात चलता था, जितना भी अमाउंट का फाइनल उसमें टैली होता था, उसका ये 5% बतौर उसमें अपने पास रखते थे कमीशन का, खिलाने का। और रिजॉर्ट को ये बुक कराते थे, ऐसी जगह कराते थे जहाँ पब्लिक की डायरेक्ट नज़र ना पड़े, ऐसी जगह पे हो कि जहाँ आराम से गाड़ियाँ इनकी खड़ी हो जाएं, और फिर पूरी रात वहाँ पर पार्टी के नाम पर जैसे शराब भी पिलाते थे, डांस का, म्यूज़िक का प्रोग्राम रखते थे, और साथ में उनके खाने और पीने का इंतजाम रहता था। इसमें टोटल 5 लोग निकल के आए हैं, जिनमें से एक जो ये कपिल, पीयूष और रवि, ये वो लोग हैं जो कि ये अलग अलग जगह पर ये गेम खिलाते हैं। और इनमें जो ये रिजॉर्ट जिसने लीज़ पर लेके इसे रन कर रहे थे, वो नितिन और अरविंद नाम के लोग हैं। ये 5 लोग इसमें पूरे मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये किया। ये सबकी जानकारी में रहता था, जो जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं वहाँ पूरी जानकारी दे के कि हम रात में पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और वहाँ पर हम जुआ खिलाएंगे, उसका ये पैसा रिजॉर्ट के जो भी रन करता है उसको भी उसके साथ शेयर करते हैं। अभी जानकारी की जा रही है, अभी बैकग्राउंड इसमें चेक कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल की जानकारी में कोई ऐसी चीज़ निकल के नहीं आई है कि किसी के कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस हों, और जो लोग हैं उनका बैकग्राउंड अभी चेक किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, थाना प्रतापपुर की टीम साथ में रही थी। ये टोटल जो जितनी कार्रवाई हुई है वो ASP ब्रह्मपुरी इनके नेतृत्व में हुई है। मौके पर 2 CO मौजूद थे, CO क्राइम और CO एंटरटेनिंग अभिषेक वहाँ मौके पर मौजूद थे। SOG की टीम थी, इंस्पेक्टर प्रतापपुर खुद उसमें रेड में साथ में थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है या कहीं पे कोई लैप्सिस है। अभी तक तो 7.5 लाख के करीब, 7,58,000 टू बी प्रिसाइज, ये इन लोगों से बरामद हुआ है जो कि कैश मिला है। बाकी ये खेलने का तरीका इनका ये है कि पहले ये खेल लेते हैं, क्रेडिट पर ये ज़्यादा चलता है। जब पूरा गेम ओवर हो जाता है तो हार और जीत का, जिसने जितना विन किया, जितने लूज़ किया, वो सब ये अपना टैली एक तैयार करते हैं,
उसके आधार पर ये लोगों से वसूली करते हैं, जो हार गए उनसे वसूली करते हैं, जो जीत गए उनको पेमेंट बाद में पहुंचाया जाता है। नहीं, ऑब्वियसली जब 5% कमीशन की ये बात कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा खेला जाएगा उतना ही इनके पैसे बनेंगे, क्योंकि इनके खर्चे भी निकालने होते हैं, जैसे रिजॉर्ट बुकिंग का है, खाने का है, प्लस वहाँ पे ये स्टाफ रखते हैं जो कुक है या स्वीपर है या और भी अन्य मेड टाइप ये जो रखते हैं। तो अभी तक जो मिला है उसमें हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो ये है कि ये करोड़ प्लस का इनका होता है, पर बाकी इन्होंने कहाँ कहाँ खिलाया है और इनका पहले भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, ये सब की जानकारी की जा रही है, जो अलग से हम ब्रीफ कर देंगे। टोटल 43 इसमें लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से 34 लोग हैं जो पुरुष हैं और 9 महिलाएं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।